ओहो, तुम इन छोटे छोटे बच्चों से पीएचडी करवा लो। हम बोर हो रहे हैं पापा, हम कहीं घूमने चले। नहीं, कल जो चॉकलेट लाए थे वो कहाँ गए? आपने मम्मा से मेरी झूठी शिकायत लिखाई ना। कौन सी? शनाया। पापा, मैंने लिपस्टिक नहीं छोड़ी थी। कल बच्चों का टेस्ट है, बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये मेरे ऑफिस की बहुत जरूरी फाइल है, इस ड्रॉअर में रख देता हूँ। चलो पेपर प्लेन्स बनाते हैं। ये पेपर्स मिल गए। पर मम्मा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? पहले गलती करती हो और फिर पूछती हो कि थप्पड़ क्यों मारा? पर मैंने किया क्या है मम्मा? आपने मेरी लिपस्टिक तोड़ी है। पता है कितनी महंगी लिपस्टिक थी वो? लिपस्टिक? कौन सी लिपस्टिक? अब भोली बनने की कोशिश मत करो शनाया, मैं देख रही हूँ तुम तीनों में से तुम सबसे ज्यादा शैतानियां करती हो। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन करवा दे हॉस्टल में। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा, हॉस्टल में नहीं। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा, मेरे हॉस्टल में एडमिशन मत कराओ मम्मा। A few moments later. रमनीक, मैं बता रही हूँ, शनाया को हॉस्टल भेजने में ही भलाई है। पुनीत, तुम बात समझने की कोशिश करो, शनाया ने तुम्हारी लिपस्टिक नहीं तोड़ी है। ये आप कैसे कह सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास, बहुत ज्यादा रो रही थी, उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा था कि उसने लिपस्टिक नहीं तोड़ी है। पर अगर शनाया ने नहीं तोड़ी तो किसने तोड़ी? हो सकता है अनान्या से टूट गई हो। क्या, अनान्या से? इसका मतलब है आज इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला। आज मैं इसको बाथरूम में बंद कर दूंगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे रुको, बच्चों की अकल ऐसे ठिकाने नहीं आती, मेरी बात समझो। Meanwhile, दीदी, आपने मम्मा से मेरी झूठी शिकायत लिखाई ना। कौन सी? वही कि मैंने मम्मा की लिपस्टिक तोड़ी। हाँ, अगर तू मुझे ब्लैकमेल कर सकती है तो मैं भी बदला ले सकती हूँ ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अनान्या ने झूठ बोला क्योंकि तुमने उसको मजबूर किया। उसको पता था अगर वो सच बोलेगी तो तुम डांटोगी, मारोगी। क्या, मैंने? हाँ तुमने। बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि बच्चे तुमसे सच बोलें तो उनके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। तो आप कह रहे हो कि मुझे परवरिश करनी नहीं आती? आती है, बिल्कुल आती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा लीनियंट होने की जरूरत है। तो आप ही दिखा दो कैसे होते हैं लीनियंट। क्या हो गया इन लड़कियों को? आप तुम रुको, मैं देखता हूँ। शनाया, पहले तूने मुझे धमकी दी थी। नहीं, मैं मम्मा को बता दूंगी कि आपने मेरी झूठी शिकायत लगाई थी। और अब मैं हॉस्टल जान से बच जाऊंगी और तुझे हॉस्टल भेज देंगी मम्मा। नहीं, मैं मम्मा को सब सच बता दूंगी, फिर वो मेरे को नहीं आपको हॉस्टल भेज देंगी। अरे 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 बच्चों, ये क्या हुआ? पापा, मैंने लिपस्टिक नहीं छोड़ी थी। मुझे सब पता है, तुम दोनों शांत हो जाओ। पापा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। ओहो, कहीं नहीं जा रहे तुम लोग, लेकिन बेटा झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। आपकी मम्मा किसी को हॉस्टल नहीं भेजेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन तुमको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज से नो लड़ाई, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। अगर कोई गलती होगी तो मुझे आके सच सच बताओगे। ओके पापा। ओके पापा। चलो अब तुम खेलो। आज से नो लड़ाई। ओके, डन। A few moments later. दीदी, पापा का जो बड़ी वाली चॉकलेट लाए थे वो खाएं? हाँ, मुझे भी खानी है चॉकलेट। अगर मम्मा को पता चल गया तो? अरे पापा से पूछ लेते हैं ना, पापा कुछ नहीं कहेंगे। चल चलते हैं। चलो। A few moments later. रमनी, कल जो चॉकलेट लाए थे वो कहाँ गई? रमनी, कल जो आप चॉकलेट लाए थे वो कहाँ गई? अरे बाबा, बच्चों ने खा ली सारी। अरे यार तुम डांटना मत, मैंने ही दी थी उनको। रमनीक, आप लीनियंट होने के चक्कर में बच्चों को बिगाड़ दोगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। A few moments later.
ये मेरे ऑफिस की बहुत जरूरी फाइल है, इस ड्रॉअर में रख देता हूं। पापा हम बोर हो रहे हैं। पापा हम कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा चलो हम कहीं घूम के आते हैं। ये हम घूमने जाएंगे और साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे। ये सब क्या हो रहा है, घूमने जा रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे? हम सब घूमने जा रहे हैं, तुमको चलना है? रमनी कोई कहीं नहीं जा रहा, कल बच्चों का टेस्ट है, बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे। ओहो तुम इन छोटे छोटे बच्चों से PhD करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आकर पढ़ लेंगे। चलो बच्चों हम चलें। ये Two hours later. इतनी रात हो गई है अभी तक बच्चे नहीं आए, कब आएंगे कब पढ़ेंगे? लगता है आगे। आज तो मजा ही आ गया। हाँ इतने दिनों बाद हमने इतना एंजॉय किया और आइसक्रीम भी इतनी टेस्टी थी। चलो बच्चों बहुत हो गया खेलना कूदना, अब फटाफट पढ़ने बैठ जाओ। अरे अभी तो आए हैं, पढ़ भी लेंगे। जाओ बेटा तुम अंदर खेलो। पुनीत मेरे लिए जरा चाय बना दो। हाँ जी। याद है वो प्लेन वाला झूला जो जूम करके चलता था? हाँ चलो पेपर प्लेन्स बनाते हैं। हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर कैसे पेपर मिल जाए बस। मुझे पेपर्स मिल गए। अरे ये क्या, ये तो मेरे ऑफिस के इतने जरूरी कागज थे। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट। अगर अभी आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो हिट लाइक हिट लाइक हिट लाइक।